सिद्धार्थ शुक्ला काफी इंटेलेक्चुअल एक्टर्स में से माने जाते थे। राजनीति का कोई मुद्दा हो, स्पोर्ट्स का हो, एंटरटेनमेंट का हो, या फिर जब कोविड की लहर आई, हर मुद्दे पर वो अपनी राय रखते थे। इतना ही नहीं, वो अपने फैंस को लगातार मोटिवेट भी करते थे कि उन्हें वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। सिद्धार्थ शुक्ला का आखिरी पोस्ट जो है वो आपकी आंखें नम कर देगा। अपने आखिरी पोस्ट में उन्होंने किसी और का नहीं बल्कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स का जिक्र किया है, उन लोगों का जिक्र किया है जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया। उनके ट्विटर पे उनका आखिरी ट्वीट जो है 30 अगस्त का है, जिसमें उन्होंने कहा, इंडियंस मेकिंग अस प्राउड ओवर एंड ओवर अगेन, अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन एडिशन टू द गोल्ड। तो उन्होंने भारत का नाम ऊंचा करने वाले स्पोर्ट्समैन को, स्पोर्ट्स जितने भी लोगों ने गोल्ड जीता जो रिप्रेजेंट कर रहे थे भारत को, उनको सलाम किया। वहीं इंस्टाग्राम पर जो उनका पोस्ट है उसमें उन्होंने फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लेकर बात की कि आप लोगों को वाकई में सलाम करते हैं, जो आप लोग लगातार दिन रात उन लोगों की, उन मरीजों की सेवा कर रहे हैं जो अपने परिवार से दूर हैं। आप लोग सबसे बहादुर हैं। बीइंग ऑन द फ्रंटलाइन श्योरली इज नॉट ईजी, बट वी रियली अप्रिशिएट यूअर एफर्ट्स। उन्होंने फ्रंटलाइन वॉरियर्स को सलाम किया था और ये जो है उनका आखिरी पोस्ट है 24 अगस्त को इंस्टाग्राम पर और 30 अगस्त को ट्विटर पर। तो ये बात बताता है कि सिद्धार्थ शुक्ला जो है हर चीज़ को लेकर, जब भी भारत का नाम कोई रोशन करता था या जब भी कोई भारत की सेवा करता था, वो आगे आते थे और उनको सलाम करने में पीछे नहीं रहते थे। तो सिद्धार्थ का ये जो आखिरी पोस्ट है लोगों को और ज़्यादा इमोशनल कर रहा है। अगर मैं कमेंट्स की बात करूँ तो उनके इस पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि सिद्धार्थ, हम आपको मिस कर रहे हैं, आप वापस जो हैं लौट आइए।